अच्छा, अब जो प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे सेल करनी है उसमें जो मोटी मोटी जो है ना वो तीन चीजें हैं। बड़ी चीजों की तरफ बाद में आएंगे हम। जो मोटी मोटी तीन चीजें हैं वो देख लें। हाई डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड हाई होनी चाहिए। लो कंपटीशन, उसका कंपटीशन लो होना चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तीन चीजें हैं ये, अपने जहन में इसको बिठा लें, ठीक है। ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप जब प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके बैक एंड पे ये तीन चीजें चल रही होनी है। हाई डिमांड, लो कंपटीशन, प्रॉफिटेबल। हाई डिमांड, लो कंपटीशन, प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट के अंदर देखना है, ठीक है। अब इसके आगे जो चीजें हैं, अगर हम उसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसका जो FEA रेफरल की, वो सब कुछ इन्हीं के आगे आप समझ लें टाइप्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो मेजर चीजें हैं वो तीन हैं कि हाई डिमांड होनी चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से हमने निकालनी है? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हमें कॉस्ट पता होना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या क्या पड़ने वाली है, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह मैंने आपको सोर्सिंग के तीन मॉडल बताए, उसके ऊपर भी डिपेंड करी है। सबसे पहले तो कि आप सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं। आप ज्यादा MOQ की सोर्सिंग कर रहे हैं, आप 1,000 पीस ले रहे हैं चाइना से, या आप 100 पीस ले रहे हैं चाइना से या पाकिस्तान से, और या आप लोकल US या UK से ही सोर्सिंग कर रहे हैं और वहां से आप 50 के 30 पीस बनवा रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड कर रही है। ऑब्वियसली जब आप स्टॉक ज्यादा लेंगे, क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्वांटिटी कम ले रहे होंगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो मेन जो फैक्टर ये है, लेकिन आप इसमें आप देखना कि आपकी कॉस्ट क्या क्या है। वो कॉस्ट आप देख लें। लैंडेड कॉस्ट क्या है? लैंडेड कॉस्ट होती है द कलेक्टिव कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट टू अमेज़न वेयर हाउस। आपके अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर जब प्रोडक्ट पहुंच जाती है, तो ये प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर पहुंचने तक जो इस सारी कॉस्ट लगी है, उसके अंदर ड्यूटीज, टैक्सेस, फ्रेट, सप्लायर की जो जो उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, सारा कुछ मिला के अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच गई, जितने की वो एक पीस पड़ा है ना, दैट इज कॉल्ड योर लैंडेड कॉस्ट, ठीक है। अब लैंडेड कॉस्ट के अंदर ये सब चीजें हमारी आती हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आती है। सबसे पहले जो इन्वेंट्री हमने परचेज की उसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इन्वेंट्री परचेज करने के बाद उसकी कोई प्रेपरेशन करवानी है, जैसे आपको उसको बंडल बनवाने हैं, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 5 के, उसके भी सप्लायर आपसे सेपरेट चार्ज कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट बीच में ऐड हो जाएगी। या आप उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं, कोई इंस्पेक्शन टीम भेजते हैं, तो इंस्पेक्शन टीम की क्या कॉस्ट है, वो भी ऐड हो जाएगी पर पीस में। उसके बाद शिपिंग है। शिपिंग आपको चाइना से US है, या पाकिस्तान से US है, या US की एक सिटी से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक जो शिपिंग आपको पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी पर पीस में। ड्यूटीज हैं, अगर आप इसको शिप कर रहे हैं चाइना से US, तो पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट के ऊपर, जिस तरह भी आप भेज रहे हैं बाय एयर बाय सी, आपको एक सर्टन ड्यूटीज पे करनी होंगी, कुछ टैक्सेस पे करने होंगे, वो ड्यूटीज पर पीस में ऐड होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशनल कॉस्ट है। अगर आपने पैकेजिंग करवाई है, पैकेजिंग के अंदर कोई आपने प्रमोशनल मटेरियल रखा है, एक फ्लायर रखा है, विजिटिंग कार्ड रखा है, या कोई वाउचर बना के रखा है, या आपने जो पैकेजिंग करवाई है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज लगवाई है, तो ये सारा कुछ भी आपकी पर पीस कॉस्ट में ऐड हो रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी मिला के, ये सारी चीजें मिला के एक पीस की कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। इसे आप कहते हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट, इन्वेंट्री पर पीस कॉस्ट है वो, ये इन सब चीजों को मिला के आपकी बने। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अभी ये परेशान होंगे कि ड्यूटीज जो है वो शिपिंग कैसे होगी, ड्यूटीज कैसे पे होंगी, हमें तो नहीं पता इम्पोर्ट कैसे होती है, एक्सपोर्ट कैसे होती है, ड्यूटीज कैसे, इसमें आपने परेशान होना ही नहीं। ये काम हमने करना नहीं है, ठीक है। ये काम हम डायरेक्टली नहीं कर रहे होंगे। ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर्स की हो, ठीक है, या फ्रेट फॉरवर्डर की होगी, या सप्लायर की डायरेक्टली होगी, जो कि रेगुलर उस आइटम को शिप करता है, उसको पता है कि ये किस तरह से US में जाती है और कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेप के ऊपर कौन कौन से पैसे पे कर रहे हैं। तो हम जो बात करेंगे सप्लायर के साथ कि भाई आपने इस स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है, मुझे नहीं पता कि इसके दरमियान में क्या क्या मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, क्या क्या ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, जो भी चीज है वो आपने पे करना है, मुझे आप बताएं कि पर पीस आप इतना चार्ज करें, ठीक है। एक तो ये वाला मॉडल होता है, दूसरा शिपिंग का ये मॉडल होता है कि आप फैक्ट्री से आपने चीज बनवा ली, फैक्ट्री से चीज बनवाने के बाद आपने एक और बंदा ढूंढा, फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं उस बंदे को। फ्रेट फॉरवर्डर की क्या जिम्मेदारी है कि फैक्ट्री से सामान उठा के अमेजोन के वेयर हाउस तक सामान
को पहुंचाना वो उस बंदे की जिम्मेदारी है, उसको फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। अब यहाँ पे एक कॉस्ट आपने फैक्ट्री वाले को देनी है, दूसरी कॉस्ट आपने देनी है फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर ने डायरेक्टली फैक्ट्री से उठाया, उठा के उसने अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचा दिया और अपनी, अब वो दरमियान में कहाँ पे एयरपोर्ट पे पैसे दे रहा है, पोर्ट पे दे रहा है, शिपिंग दे रहा है, ड्यूटी दे रहा है, टैक्सेस दे रहा है, उसकी सरदर्द है, हमें नहीं पता, ठीक है। हमने उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि तुम फैक्ट्री से उठाओ, अमेजोन के वेयरहाउस को जाओ और पैसे बताओ कितने लोग, ठीक है। तो ये दो बिजनेस मॉडल है ये हम यूज करते हैं, तो इसलिए जो ड्यूटीज हैं या टैक्सेस हैं ये पैसे ना तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर का काम है वो इसको कैलकुलेट करे और हमें जो टोटल कॉस्ट है वो बता। एक लेवल आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप लोगों का भी आए सबका, कि ये आपको खुद कैलकुलेट करने पड़े, ठीक है। वो कब कैलकुलेट करेंगे, जब कंटेनर्स के अंदर स्टॉक हमारा जाता है, ठीक है। आपने यहाँ से कंटेनर बुक कराए और फ्रेट फॉरवर्डर के साथ आपका फिर डेफिनेटली फ्रेट फॉरवर्ड जो है वो भी उस लेवल का होगा, आप डायरेक्टली डील कर रहे होंगे और आप उससे बायफर्केशन मांग रहे होंगे इंडिविजुअली एक एक जगह की, कि इस पोर्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट है, उस पोर्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट है, इसमें शिपिंग कितनी है, कंटेनर का रेंट कितना है और आपको ड्यूटीज जो है वो एक्सपोर्ट की कितनी पड़ी है, इम्पोर्ट की कितनी पड़ी है, तो ये सारा कुछ फिर आपको कैलकुलेट वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो अभी इस लेवल के ऊपर जो आपका कार्टन लेवल है जिसमें आप कार्टन बना के बेचते होते हैं, कंटेनर नहीं बेचते होते, तो उसके अंदर फेयर फॉरवर्डर इन सब चीजों को हैंडल कर रहा हो। अच्छा, अमेजोन फी एक तो अभी ये टोटल आप प्रोडक्ट की निकाल रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो है वो पड़ती कितने में, ठीक है, या उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, ठीक है, जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसमें क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है। सबसे पहली चीज तो आपने देख ली कॉस्ट है, कॉस्ट में सारा कुछ आ गया, ये आपकी आ गई यूनिट कॉस्ट। अब जब ये जाएगी अमेजोन के पास तो इसको अमेजोन भी कुछ इसके अंदर चीजें ऐड कर लेगा, वो भी इसके अंदर जो है वो इसकी प्राइस के अंदर कुछ चीजें ऐड करेगा। सबसे पहली चीज वो ऐड करेगा रेफरल फी। रेफरल फी क्या है, ये अमेजोन का कमीशन है, ये हर आइटम के लिए जो आप आइटम सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर उसके लिए वो आपसे 15% चार्ज करता है एक प्रोडक्ट का, जब वो सेल होती है तो वो 15% एक प्रोडक्ट का आपसे ले लेता है, ठीक है। वो कहता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, आपको आपने लिस्टिंग की, आपको मैंने कस्टमर दिया, क्योंकि कस्टमर अमेजोन पे आके आपको मिला ना, अमेजोन पे कस्टमर आया amazon.com पे .co.uk पे, उसने आके यहाँ पे सर्च किया बुक शेल्फ, ठीक है। आप amazon.com पे आए, यहाँ पे आपने लिखा कि बुक शेल्फ, लिखने के बाद आपको ये वाली चीज नजर आई और आप इसको ओपन करके जब बाय किया तो कस्टमर बेसिकली अमेजोन ने आपको दिया, अमेजोन ने आपको रेफर किया, ठीक है। वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आके उसने जस्ट बुकशेल्फ टाइप किया था, उसने ये तो नहीं कहा था मुझे IOTXY इसकी बुकशेल्फ चाहिए, ठीक है, वो ये भी है टाइप कर सकता है, फिर भी आया तो अमेजोन से है ना, तो इसके वो 15% आपको चार्ज कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड रेफरल फी। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ कैटेगरीज के अंदर ये 15% फी जो है वो डिफरेंट भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोर देन 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे 15% ही आपको रेफरल फी चार्ज। इसके अलावा जो फी है आपकी सेलिंग प्लान फी है, सेलिंग प्लान जो प्रोफेशनल अमेजोन सेलर है उसको आपको पता है कि $40 मंथली फी हम पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये $40 जो है ये आपकी सेलिंग प्लान फी है। आप सेलिंग प्लान फी जब आप ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहे होते हैं इसका फील भी नहीं होता, लेकिन अगेन यू हैव टू डिवाइड इट इन यूनिट प्राइस, आपको उसको करना चाहिए यूनिट प्राइस से डिवाइड और देखना चाहिए कि ये इसका 10 सेंट्स हैं, 20-30 सेंट्स जितने भी हैं आपके यूनिट जो एक यूनिट है उसकी जो प्राइस है उसके अंदर ये वाली फी भी ऐड हो रही है, इसकी कॉस्ट भी ऐड हो रही है, ये भी आपको ऐड करना है उसके अंदर, ठीक है। फुलफिलमेंट फी है उसके बाद। अच्छा, उसके अंदर जो सेलिंग प्लान फी है इंडिविजुअल अकाउंट का आपको पता था कि $1 पर सेल ट्रांजैक्शन आपको सेलिंग प्लान फी चार्ज होती है। इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल सेलर, आप इंडिविजुअल सेलर है, ठीक है, बट ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट दैट रूट, हम उसी रोड के ऊपर जाएंगे जो कि प्रोफेशनल सेलर पर। इसके बाद फुलफिलमेंट फी है। फुलफिलमेंट फी के अंदर क्या होता है, अमेजोन ने आपकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, उसको शिपिंग करनी है बेसिकली, ठीक है, जो शिपिंग करनी है इसने अमेजोन के वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक जो प्रोडक्ट जाएगी ये फुलफिलमेंट फी कहलाती है, ठीक है, FBA फी कहते हैं इसको, हम FBA फी कहते हैं फुलफिलमेंट फी। अब ये डिपेंड करी होती है टोटली आपकी प्रोडक्ट के साइज के ऊपर, उसके वॉल्यूम के ऊपर, उसके प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। तो ये हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होगी, हर साइज के लिए, हर अब एक ज्वेलरी की एक रिंग है छोटी उसकी FBA फी डिफरेंट है, और एक ये जो
अपने बुक शेल्फ है इतनी बड़ी या शू रैक है, इसको शिप करना है, तो इन दोनों की एफबीए फी फुलफिलमेंट फी डिफरेंट होगी उनके साइज और वेट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, जब आप कोई चीज सेल कर रहे होते हैं, जब काफी ज्यादा सेल तो आपकी जो ये निकल रही है, उस सेल के अंदर आपकी कॉस्ट भी प्रोडक्ट की इंक्लूड है, रेफरल फी भी है, सेलिंग प्लान फी भी है, ठीक है। तो जो जो पैसे भी आप बना रहे हैं, जो सेल्स आपकी जनरेट हो रही है, वो सेल्स जो है वो रेवेन्यू कहलाती है, ठीक है। आप कहेंगे कि इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है, अब रेवेन्यू के अंदर से आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी कॉस्ट क्या है, वो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि आपका किस तरह से निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट निकलेगी, फिर उसकी रेफरल फी निकलेगी, सेलिंग प्लान फी निकलेगी, फुलफिलमेंट फी निकलेगी, उसके बाद आप अगर टैक्सेस विद इन दैट कंट्री आपको जो टैक्स पे करने हैं अपनी कंपनी के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर यूके है तो वैट आपने कोई पे करना है, या यूएस में कोई आपने सेल्स टैक्स पे करना, वो निकलेगा, तो उसके बाद जाके आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अभी तक के तो मसले मसाइल में आपको बता प्रॉफिटेबल वाली स्लाइड, प्रॉफिट वाली स्लाइड तो आई, वो मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, एक्सेल शीट के अंदर होगा ना वो फॉर्मूला हमारा, वहां से लगेगा। अच्छा जी, सवाल आपको जमा हो गया काफी ज्यादा, अब हम इसको करते हैं। अच्छा हाँ जी, सारी फीसिस एक प्रोडक्ट के सेल करने पे मोबाइल के नोट पर से पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर ना रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है सेल करना है अमेज़न पे। अभी आपने शुरू नहीं किया, आपको अभी मुश्किल लगने लग गया, तो काम शुरू नहीं हुआ, अभी से मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं आपने फील करना, मुश्किल है बिल्कुल है, लेकिन आपको जो है वो जब स्टार्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके जहन में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी, आपको इन चीजों को आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कि ये मुझे ये भी कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में चल रही होंगी, ये बैक एंड पर खुद ही कैलकुलेट होगी, तब फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इनिशियली अभी डेफिनेटली मुश्किल है, इन सब चीजों का ध्यान रखना और इन सब चीजों को कैलकुलेट करना अभी मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अमेज़न पे? हाँ जी बिल्कुल, अपनी ही लॉन्च करनी है आप लोगों ने, प्राइवेट लेबल के अंदर अपनी ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, ठीक है, अपने ब्रांड के साथ करते हैं। रेफरल फी अलहदा है और जो फुलफिलमेंट फी है वो अलहदा है। रेफरल फी जो आपको वो कस्टमर रेफर कर रहा है, आपको कस्टमर भेज रहा है, वो उसकी फी है। फुलफिलमेंट फी जो कि आपकी प्रोडक्ट को शिप कर रहा है कस्टमर को, उसकी फी है। फॉर्मूला बिल्कुल हम जो एक्सेल शीट है, प्रोडक्ट एनालाइजिंग शीट है, वो मैं आपको दूंगा, उसके अंदर फॉर्मूले सारे लगे होंगे और आपको मैं दिखाऊंगा। फी के बाद अपने पास बचता है जी 30% एटलीस्ट हमने बचाना है इन सब के बाद, कि इन सब फीसेस वगैरह के बाद कम से कम 30% प्रॉफिट आप लोगों को हो, ठीक है। तो वो 30% बचेगा तो फिर हमने बेचना है, नहीं तो हमने बेचना है, ठीक है। जो इन्वेंट्री हम लेंगे वो किसी के जरिए भेजेंगे? हाँ जी, वो हम फ्रेट फॉरवर्डर के जरिए भेजेंगे। फेक फॉरवर्ड नहीं है, फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है। स्लाइड्स हो जाएंगी शेयर। हाँ जी, ये बेस्ड ऑन आइटम्स होगी कॉस्ट। अच्छा जी सर, अगर अमेजोन भी सेल कर रहा है तो लोग वहां से ज्यादा लेंगे? हाँ जी ऑब्वियसली, अमेजोन डायरेक्टली अगर बेच रहा है तो वो उसकी सेल ज्यादा होंगी और आपकी बहुत कम होंगी। FBA PL एंड FBM के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए US UK के हिसाब से? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट जो एग्जैक्टली है वो मैं आपको आगे उसका जब हम प्रोडक्ट एनालाइजिंग वगैरह कर रहे होंगे ना वहां पे मैं बताऊंगा, क्योंकि ये देखिए प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट PL की टोटली आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है ना। अब मैं आपको किस तरह से कह दूं कि $10,000 में प्राइवेट लेबल हो जाती है, मैं ये नहीं कह सकता। 2000 में भी हो जाती है भाई, 2500 में भी हो जाती है, $100,000 में भी होती है, $200,000 में भी होती है, $300,000 में भी होती है, $50,000 में भी होती है। तो हाउ कैन आई फिक्स के भाई $10,000 में ही प्राइवेट लेबल होती है, कम से कम इतने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इतने चाहिए। भाई प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी प्राइस क्या है, उस पर कंपटीशन क्या है, उसके ऊपर रैंक करने के लिए कितना बजट आपको लगाना पड़ेगा, किस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं, लोकल बनवा रहे हैं, US से बनवा रहे हैं, चाइना से बनवा रहे हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से लोग ग्रुपों में लिख देते हैं कि भाई $2,000-$5,000 में PL हो जाती है इजिली, $50,000 में इजिली हो जाती है PL। ये आपकी टोटली प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा होता है, आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो किस तरह की है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपना बजट को जहन में रखते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई मैंने प्राइवेट लेबल करनी है
$5,000 में. Now I have to find the product कि जो $5,000 में लॉन्च हो सके. फिर मुझे सारे जो उसके सिनेरियोस हैं उसको फिट करना है $5,000 के ऊपर. मुझे उसकी सोर्सिंग चाहिए जिसके अंदर MOQ कम से कम हो. मुझे प्रोडक्ट इस तरह की चाहिए कि जिसकी प्राइस कम हो, कि मुझे कम प्रेसेस उसके परचेज करने पड़े, या प्रोडक्ट इस तरह की हो जिसकी लोकल सोर्सिंग अवेलेबल हो, या पाकिस्तान से उसकी सोर्सिंग अवेलेबल हो, या चाइना से मैं थोड़े पीस मंगवा सकूं, ठीक है, और उसके अंदर कंपटीशन इतना कम हो कि मुझे उसकी जो PPC है उसके ऊपर ज्यादा पैसे ना लगाने पड़े, या मुझे उसके जो रैंक का जो प्रोसेस है, रैंक के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको रैंक करने के लिए, मुझे उस पर ज्यादा पैसे नहीं लगाना पड़े. तो फिर ये वाला फैक्टर हो सकता है कि मैंने जेन में $5,000 बना लिया और अब मैंने सारी चीजें, सारे क्राइटेरियाज को उस $5,000 के ऊपर फिट करना, ठीक है, ये पॉसिबल है. बट जनरलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकती कि आप कहेंगे PL इतने की होती है, होलसेल इतने की होती है, ड्रॉप शिपिंग इतनी की होती है, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा. ये बजट वाला क्वेश्चन ये होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई फिक्स बजट नहीं है. इसी तरह होलसेल के अंदर है भाई, होलसेल के अंदर आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हो जाएगी, $500 में भी होलसेल स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन आपने होलसेल करके देखना तो नहीं है कि भाई ये होती है कि नहीं होती, आपने एक फिजिबल प्रॉफिटेबल बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट करना है जो कि मेरे एक्सपेंसेस को मीट करे, और उसके बाद जो है वो मैं देखूंगा कि मुझे कितने प्रॉफिट तक जाना है. तो सबसे पहले आप होलसेल के केस में जिस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, पैसे बनाने कितने, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड हो रही है, फिर आपकी प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स डिसाइड होंगे, बिजनेस मॉडल डिसाइड होगा, फिर आप देखेंगे अपनी जेब भी देखेंगे, आप 10,000 में करनी है, 20 में करनी है, 50 में करनी है, आपके पास है कितना, ठीक है. तो इस तरह से ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो कॉस्ट है वो फिक्स नहीं हो सकती है. प्रोफेशनल मंथली फी पे नहीं करता तो काउंट डाउनग्रेड हो जाता, नहीं काउंट डाउनग्रेड नहीं होगा, वो आपके माइनस में वहां पे डालता जाएगा कि पैसे आपके माइनस में बनते जा रहे हैं, ठीक है, और जब भी आप उसको दोबारा यूज करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो आपके पैसे काटेगा, फिर आप आगे चलेंगे. रेवेन्यू वाला स्टेप रिपीट करते हैं. रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू मैंने बताया था, जो टोटल सेल्स होती हैं आपकी, जिस अमाउंट की जो टोटल सेल्स हो रही हैं वो रेवेन्यू है. फॉर एग्जांपल मैंने $10 का मेरा एक यूनिट था और मैंने 100 पीस बेच लिए, तो ये मेरा एक दिन का जो रेवेन्यू है वो $1,000 हो जाएगा, ठीक है, ये $1,000 आपका रेवेन्यू हो जाएगा. अब इस रेवेन्यू के अंदर आपकी ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके बाद रेफरल फी है, सेलिंग फी है, टैक्सेस हैं, रेप सेंटर फी है, वो सारा कुछ उसके अंदर है. फुलफिलमेंट फी बता दिया, शिपिंग वाली है. अगर आप लोकली प्रोडक्ट, ये तो आपको देखें जहाँ से आपने बाय कर दिया, आप बाय किया वही आपको बताया था ना, लोकली प्रोडक्ट आपने सोर्स की, तो आपको उससे पहले बात करनी है कि भाई इसका रिटर्न का क्या हिसाब किताब है, रिटर्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है. कुछ सप्लायर्स हैं जो कि परसेंटेज चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि 20% डिडक्ट करेंगे, आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न हो जाएगी, कोई मिसका नहीं है. अच्छा चले, पहले हम ना ये आगे इसको कवर कर लें, ठीक है, थोड़ी सी चीजें, फिर बाकी की जो है वो गुफ्तो शनीद हम फिर बाद में करते हैं. डिमांड का मैंने कहा आपको बता दिया कि जो की मैट्रिक है वो आपका डिमांड, हाई डिमांड, लो कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी है. अच्छा, आपको डिमांड का कहाँ से पता चलेगा? डिमांड का हमें पता चल रहा होगा कि उसकी सेल्स कितनी है, ठीक है, सेल्स कितनी उसकी जा रही है. और कंपटीशन का पता चलेगा कि कितने सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं, उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी ज्यादा है अमेजोन पे, ये हमें सेल जो कंपटीशन है वहां से पता चल रहा होगा, या उसके जो सर्च वॉल्यूम है उनके कीवर्ड्स का और उनके ऊपर सेल्स कितनी है, ये सब चीजें आगे फिर इसके फैक्टर्स में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन ब्रॉड चीजें जो है वो दो हैं. ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अमेजोन पे कैटेगरीज हैं जो सेल कर सकते हैं. होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, टॉयज एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाउसहोल्ड्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, किचन, क्लोथिंग, बेबी, गार्डन, आउटडोर टूल्स, ये बेसिकली कैटेगरीज हैं. इन कैटेगरीज के अंदर से हम प्रोडक्ट ढूंढ के अमेजोन पे सेल कर. अब इसके अंदर आप देखें तो कुछ कैटेगरीज इस तरह की हैं कि जो उनको अमेजोन इतना इजीली सेल करना अलाउ नहीं करता, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू फूड आइटम और वो बेबी से रिलेटेड है, ठीक है, बेबी से रिलेटेड है और वो कोई फूड आइटम है या इवन कोई जैसे कोई फीडर है या इस तरह की कोई चीज है, तो वो इतनी इजीली आप बेच नहीं सकेंगे. यू मे नीड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन या आपको अनगेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरह की प्रोडक्ट पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो उसमें बहुत ज्यादा जो है ना झमेले ना हो. ये भी आपने लॉन्च की नहीं है
और आप FDA अप्रूवल, ये अप्रूवल, वो अप्रूवल, उसके चक्कर में पड़ जाए, ठीक है, तो वो फिर उसका लॉन्च करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, इनिशियली उनको ना किया जाए, ठीक है, इनिशियली आप उनको हंट ना करें और उनके ऊपर काम ना। इसके अंदर जो टॉप पे आती है वो कैटेगरी बेबी की कहती है, बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अनलाइक आर नेशन वो बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स, उनको जो भी अगर कोई चीज आ रही है तो वो उसको देखते हैं कि उसकी सर्टिफिकेशन सारी ठीक है नहीं है। तो इस कैटेगरी के अंदर बात करें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जो भी चीज आपकी स्किन पे लग रही है, स्किन को अफेक्ट कर रही है, इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो लोग कि वो किस तरह का रिएक्ट करेगी, वो पता नहीं अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, तो इसमें भी आपको कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो सकती है, आपको अनगेट करवाना पड़ सकता है वाले प्रोडक्ट को। अच्छा, अनगेटिंग तक मामला ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अनगेट जो करवानी पड़े ना वो ठीक है, वो अच्छी बात है कि प्रोडक्ट आप अनगेट करें तो उसमें थोड़ा सा चले कंपेरेटिवली कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन जहां पे आ जाए ना कि सर्टिफिकेशंस हैं रिक्वायर्ड आपको वो प्रोडक्ट बेचने के लिए, उससे बचें, ठीक है, जहां पे आपको ये कहे कि इसके लिए ये सर्टिफिकेट ले आओ, वहां उससे बचना है। अगर आपको वो कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को आप परमिशन लें अमेजोन पे सेल करने के लिए, तो वो सिंपल जो परमिशन लेनी है वो लेना आसान है, तो उस तरह की प्रोडक्ट अगर हमें को मिलती है तो उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है, वो होता है आपको एक प्रोडक्ट को अनगेट करवाना पड़ता है सेल करने के लिए अमेजोन के ऊपर। अनगेट किस तरह से करते हैं वो हम आगे देखेंगे किस तरह से होती है, लेकिन आप ये समझ लें कि हमें अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है, तो परमिशन वाली प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन जहाँ पर सर्टिफिकेशन है वो उससे बचना है। प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ से कर रहे होंगे, हम जंगल स्काउट के लिए वहां से कर रहे होंगे, अभी ये फिल्टर्स आ गए हैं, फिल्टर कौन कौन से यूज होंगे, प्राइस हमने जो एम करनी है क्या करनी है, आप ये देखें अभी ना दो तरह की चीजें होंगी, एक होता है प्रोडक्ट रिसर्च और एक होता है प्रोडक्ट वैलिडेशन। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये दो चीज है, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च क्या है कि आप प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट करते हैं कि मैं क्या क्या सेल कर सकता हूँ, आपको डिफरेंट जगह से आइडियाज मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आइडियाज आपको मिल रहे हैं इन आइडियाज को लेते हुए आप कोई मोटी मोटी सी चार पांच चीजें देखते हैं उसके अंदर, ठीक है, आप आइडियाज से भी वही चीजें उठाते हैं ना कि जिसके अंदर कोई थोड़ा सा क्राइटेरिया आपका मीट करता हो, थोड़ी सी चीज आपको समझ आ रही हो कि सेल हो सकती है नहीं, मतलब रैंडमली तो थोड़ी है, आइडियाज तो फिर लाखों करोड़ों हैं, आप पिंटरेस्ट पे चल जाए, अली एक्सप्रेस पे चल जाए, इधर उधर चल जाए, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, तो आप कहेंगे भाई ये सब मेरे आइडियाज हैं इसको वैलिडेट करें, आप उन सबको तो वैलिडेट नहीं करेंगे ना, वैलिडेट करने के लिए भी आपको एक सर्टन थोड़ा सा कोई मोटी मोटी चीजें उसके अंदर देखनी है, ठीक है, सबसे पहले प्राइस है, प्राइस जो है वो आप देखेंगे एम करें हम $20 to $50 या इसको आप कम भी कर सकते हैं, आप इसको $15 से $50 तक कर लें। अच्छा, अब ये जो प्राइस है ये आपकी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, इसको आपने ध्यान में रखना, लेकिन प्राइस जब आपकी कम होगी तो फिर आपके पास प्रॉफिट भी कम बचेगा, और स्पेशली आजकल के दौर में आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जो सेल्स हैं वो ज्यादातर PPC के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब वो ज्यादातर सेल्स एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है, अमेजोन की एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अब एडवर्टाइजिंग जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया कीवर्ड्स के ऊपर, तो फिर एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग करने के लिए अगर आपकी चीज महंगी होगी तो आपके पास मार्जिन ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, मैं एक चीज बेच रहा हूँ $25 की, इसके अंदर जो मेरा मार्जिन है, जो ग्रॉस मार्जिन है वो आप समझ लें वो है $10। अब एक चीज मैं बेचता हूँ $10 की, उसमें मेरा ग्रॉस मार्जिन है $2, तो अब यहाँ पे $10 में मेरे पास एडवर्टाइजिंग करने के लिए बजट ज्यादा है और $2 वाली चीज की एडवर्टाइजिंग करने के लिए मेरे पास बजट कम है, ठीक है, तो इसीलिए फिर आप थोड़ी सी हायर प्राइस के ऊपर देखेंगे कि हायर प्राइस के अंदर हमारे पास मार्जिन ज्यादा होगा, हम इजीली एडवर्टाइजिंग कर सकेंगे। नंबर ऑफ रिव्यूज देखना है, नंबर ऑफ रिव्यूज से क्या पता चलता है, कंपटीशन पता चलता है। अच्छा, नहीं, उससे पहले सेल्स है, सेल्स हमने देखना है कि वो एटलीस्ट 300 यूनिट तो पर मंथ उसके मोस्ट ऑफ द सेलर्स के निकलते हैं, 300-400 यूनिट निकलते हैं, ठीक है, ये हम जो टूल्स हैं हीलियम जेएस वहां से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस तो हमें सामने प्रोडक्ट की लिखी हुई नजर आ जाएगी ना, ये प्राइस है, और जो सेल्स है वो टूल से निकल गई होगी। नंबर ऑफ रिव्यूज से पता चलता है कि कंपटीशन कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज से हमें कंपटीशन का पता चलता है। अब ये चीजें बेसिकली जो हम वैलिडेशन आके करेंगे ना, इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट होगा हर एक कंट्री के लिए, ठीक है, लेकिन इनिशियली जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने अगर देखा कि मुझे सेल करना है, ये मैंने बुक शेल्फ जो है वो एक निकाल, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे देखना है कि
नंबर ऑफ रिव्यूज जितने कम होंगे ना, उसका मतलब होगा कि सेलर्स नए हैं या बहुत ज्यादा हाई सेल्स नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। रिव्यूज कहाँ से पता चलते हैं? ये देखें, ये 2192, ये जो नीले से छोटे से यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये रिव्यू है। 1642622718746889613451345। ये रिव्यूज कहाँ से आते हैं? जब कस्टमर कुछ बाय करता है प्रोडक्ट को तो फिर वो उसका फीडबैक देता है, तो इसको रिव्यू कहते हैं। अब जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब उतनी ही ज्यादा उस प्रोडक्ट की सेल्स होगी। और जितने ज्यादा रिव्यूज एक सेलर के लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो उतना ही पुराना उसको सेल कर रहा है और उसकी एक्सपर्टीज उतनी ही ज्यादा है। तो जब हम देख रहे हैं कि हम एक कीवर्ड सर्च करते हैं और जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं, जो टॉप 10 के लोग हैं उसके अंदर जो रिव्यूज हैं आपके, वो 150-200 या 100 जो है वो उससे नीचे को 3 लोगों के एटलीस्ट रिव्यूज हों, इससे हमें पता चलेगा कि इसमें गैप है इस चीज को सेल करने का। ठीक है, रेटिंग जो है वो 4 से ऊपर होनी चाहिए तकरीबन एवरेज सारे सेलर्स की। रेटिंग कहाँ से पता चलेगा? ये देखें, ये जो स्टार्स है ना, ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्टार्स हैं, ये हर सेलर को मिला है। तो ये जो 5वां स्टार है वो थोड़ा सा यहाँ से खाली है, इसका मतलब 4.7 रेटिंग है, इसकी भी इतनी होगी, इसकी 4.8 out of 5 रेटिंग है, इन सब की भी अच्छी रेटिंग है। 4 से रेटिंग ऊपर होनी चाहिए, मतलब ये जो 4 स्टार्स हैं ये पूरे येलो हो और ये वाला पूरा जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ फिल हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है ये, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं आते, कस्टमर जो है वो नाराज नहीं होते हैं। मतलब प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स ही इस तरह की होती हैं कि आप जो मर्जी कर लें उसका नेगेटिव फीडबैक ही आता है। ठीक है, कस्टमर उससे खुश नहीं होते हैं, या वो शिपिंग करते हुए उसकी हालत ऐसी हो जाती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है, उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा होता है, इस तरह की प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, और जब एवरेज 10-15 सेलर्स को आप देख रहे हैं, सबके 4 से ज्यादा रेटिंग्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में मसला नहीं है, प्रोडक्ट के जो रेटिंग्स हैं वो अच्छी आ जाती है। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है ये आपको मिल रहा होता है जंगल स्काउट से, ये हम देख रहे होंगे कि उसमें जो लिस्टिंग क्वालिटी है उसकी मैक्सिमम 5 to 7 हो, ताकि लिस्टिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो। इसको आप छोड़ दें अभी, ये तीन चार चीजें जो है ना मोटी मोटी, ये हम देख रहे होंगे प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान, कि अगर हमारी 3-4 चीजें ये फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम इसको वैलिडेशन की तरफ लेके जाएंगे। वैलिडेशन क्या होती है? जब आप फाइनल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने इस क्राइटेरिया के हिसाब से 10-15 प्रोडक्ट्स निकाल ली, अब उन 10-15 प्रोडक्ट्स को मैं हीलियम 10 यूज करके, जंगल स्कॉप यूज करके, और जो क्राइटेरिया जो आपको बताएंगे वो यूज करते हुए उन 10-15 प्रोडक्ट्स के अंदर से मैं तो 2-3 फाइनल कर लेता हूँ। ठीक है, 2-3 फाइनल करने के बाद उसके अंदर से फर्दर उसको मैं वॉच करता हूँ, उसके स्टैट्स को कुछ दिनों के लिए, स्टैट्स को वॉच करने के बाद मैं कोई एक प्रोडक्ट उसके अंदर से फाइनल कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो पहला स्टेप था, आपने प्रोडक्ट का आइडिया लिया, तो 10-15 प्रोडक्ट्स आपने एक कैटेगरी के अंदर निकाल के रख ली, 4-5 मोटी मोटी चीजें चेक करने के बाद, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च। और इन 10-15 चीजों को जब मैं अपने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के ऊपर चेक कर रहा हूँ यूजिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, और वहां से एक को फाइनल कर रहा हूँ, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोडक्ट वैलिडेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक प्रोडक्ट रिसर्च है, एक प्रोडक्ट वैलिडेशन। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने टूल्स अभी तक नहीं बाय किए वो लोग कर लें, ताकि होपफुली कल जब हम स्टार्ट कर देंगे तो वो उसमें टूल्स का भी काम होगा, तो आप लोगों को फिर ये टूल्स वाला मसला ना हो। ठीक है, वो आपके पास होंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ होती रहेगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।